हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ प्रचार किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने करीब एक दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी के कांग्रेस के वोट कटवा बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पहले ही पतन में जाने का दावा करते हुए वोट कटवा बनने के लिए क्यों मेहनत किए जाने की बात कही। उन्होंने राजीव गांधी की 400 से राहुल गांधी की 44 सीट पर कांग्रेस के सिमटने को वोट कटवा होने का कारण बताते हुए प्रियंका के बहाने का कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने राहुल गांधी के देशद्रोहियों के साथ होने का दावा करते हुए कांग्रेस के पहले ही देश के विभाजन की बात करने वालों के साथ होने की बात कही। हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ प्रचार किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने करीब एक दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी के कांग्रेस के वोट कटवा बयान पर तंज कसते हुए कांग्रेस के पहले ही पतन में जाने का दावा करते हुए वोट कटवा बनने के लिए क्यों मेहनत किए जाने की बात कही। उन्होंने राजीव गांधी की 400 से राहुल गांधी की 44 सीट पर कांग्रेस के सिमटने को वोट कटवा होने का कारण बताते हुए प्रियंका के बहाने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने राहुल गांधी के देशद्रोहियों के साथ होने का दावा करते हुए कांग्रेस के पहले ही देश के विभाजन की बात करने वालों के साथ होने की बात कही। अनुराग ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों पर हमले और अजहर मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने के बाद भी विपक्ष के सवालों पर सवालिया लहजे में ही विपक्ष से भारत या उसके दुश्मनों में से एक के साथ खड़े होने का निर्णय लेने को कहा। आपको बता दें कि सियासी जंग आधे से अधिक का सफर तय कर चुकी है और निर्णायक होने से पहले इसमें जुबानी तर्कश से नुकीले तीर बड़ी तेजी से निकल रहे हैं, जिसमें पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के वोट कटवा पार्टी होने की बात कहकर दूसरों को हमला करने का मौका दे दिया था। सो विरोपी कैसे इस मौके को हाथ से जाने देते। खैर, अब बारी थी बीजेपी के सियासी तीरों की, जिसका एक तीर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने भी छोड़ा। उन्होंने प्रियंका गांधी के कांग्रेस के वोट कटवा वाले बयान पर तीखा कटाक्ष किया। अनुराग ने तंज कसते हुए कहा कि राजीव गांधी के समय में 400 से लेकर राहुल गांधी के समय में 44 तक सिमटी कांग्रेस पहले क्यों वोट कटवा बनने के लिए भी मेहनत कर रही है। उन्होंने इसके हवाले से कांग्रेस के पहले से ही पतन में जाने का दावा किया। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने राहुल गांधी के देश का विभाजन की बातें करने वालों और प्रियंका के वोट कटवाओं के साथ खड़े होने की बात कही। कांग्रेस पार्टी का देश में यह हाल हो गया कि राजीव जी के समय 400 सीट की पार्टी 44 सीट पर सिमट कर रह गई और इतनी सिमटी कि अब वोट कटवा पार्टी बन गई है, और ये खुद कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका जी ने कही। दुख इस बात का है कि राहुल गांधी ने झूठ के नए कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन फिर भी वोट का ग्राफ नहीं बढ़ा। प्रियंका जी को फील्ड में उतारा तो 2014 में केवल 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी, इस बार कांग्रेस केवल वोट कटवा पार्टी बन के रह गई। ये दुर्भाग्य देश का है कि फ्रिंज पार्टी के रूप में कांग्रेस अब बनी है और देशद्रोहियों के साथ खड़ी नजर आती है, देशद्रोह का कानून बदलने की बात करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं उनके साथ राहुल गांधी खड़े होते हैं और वोट कटवाने के लिए प्रियंका गांधी को फील्ड में उतारते हैं। आपका पतन तो पहले ही हो रहा था राहुल जी, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा था, तो इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं थी। ये वोट कटवाने की बजाय थोड़ी शर्म करें, मोदी जी की जाति ना पूछें, इस तरह की राजनीति ना करें, और जो जिन्ना को आप अपना नेता कहते हैं, ये भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जाति और संप्रदाय के नाम पर आज भी राजनीति करते हैं। अनुराग ठाकुर ने अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने के बावजूद विपक्ष द्वारा मोदी सरकार की आलोचना के सवाल पर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने विपक्ष से एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों पर हमले किए जाने पर भी विपक्ष के सवाल उठाए जाने की बात याद करते हुए विपक्ष से भारत या उसके दुश्मनों में से एक के साथ खड़े होने का निर्णय लेने को कहा। मुझे लगता है जो कभी विपक्ष ने कल्पना नहीं की होगी कि जो वो 70 साल में कोई काम नहीं कर पाए, ऐसे काम मोदी जी ने पहले किए। और जब आतंकवादी घटनाओं के बाद मोदी जी ने अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की मुहिम छेड़ी, तो कांग्रेस को लगता होगा कैसे हो पाएगा, चीन खिलाफ है, पाकिस्तान खिलाफ है,
लेकिन ये मोदी जी की ताकत, भारत की कूटनीति और भारत का बढ़ता रुतबा है जिसने दुनिया भर में भारत की एक नई पहचान बनाई, अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया। दुर्भाग्य ये है कि जब हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया तो कांग्रेस ने उसकी आलोचना की, और अब जब इनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अजहर मसूद को घोषित किया गया तब उसकी आलोचना करती है। कांग्रेस और विपक्ष को यह तय करना है कि वो भारत के साथ है कि उन देशों के साथ जो भारत के दुश्मन है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।